हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप हर दिन रात्रि के 8 बजे से आप देखते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जे टेट, बी टेट, जो भी मतलब टेट की परीक्षाएं होती, चाहे वो किसी भी राज्य से हैं या फिर सी टेट और सुपर टेट। सुपर टेट मतलब जो लोग टेट पास हो जाते हैं, सुपर टेट परीक्षा देते हैं, और स्पेशली यूपी टेट। ये क्लास एक कम्बाइंड क्लास होती है जिसमें हम ऐसा सिलेबस पढ़ाते हैं जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। आप ध्यानपूर्वक क्लास को एंड तक देखना। जैसे मैथमेटिक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबके लिए एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो ऐसे समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हो उसमें 8 में 5 जोड़ने पे 13 होता है, तो कोई दूसरी परीक्षा में 8 में 5 जोड़ने पर 18 तो नहीं होगा ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वही होता है। चलो देखो क्या है आज। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि टेट में परीक्षा में पूछे गए सवाल। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान से देखना, साइड में मैं लिख रहा हूँ बच्चा। हाँ, ऊपर तो कम दिख रहा होगा, ये लास्ट यही है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना। आज आपका ये क्लास नंबर कौन सा है पता है आपको? ये लाइव 18 है। इसके पहले 17 क्लास हो गई है, जो बच्चे नहीं देखे उनको जरूर देख लें। अंकिता मौर्य जी गुड इवनिंग, अमन जी गुड इवनिंग, संध्या सिंह गुड इवनिंग, प्रदीप कुमार, पंकज, मोहित, नंदनी सिंह, निधि, और कौन है भाई, लता कुमारी, सोनम और मुकेश अग्रहरी, अनूप, ब्रजेश कुमार, और कौन है भाई अभी अभी जुड़े हैं, चंदू और दुर्गेश। बहुत से छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, मैं सारे कमेंट नहीं देख सकता हूँ, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/10। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। 100,000 है और फिर 10,000 है, ये ऐसे है ये, ठीक है। समझने की कोशिश करो बच्चा, ये ऐसे क्वेश्चन है और ये 2/10,000 है। इसमें कितना टाइम जीरो है? 4 टाइम शून्य है। इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, शायद आप लोगों को पता होगा। और ये लैपटॉप का थोड़ा सा चमक आ रहा है स्क्रीन का, तो मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ। सिस्टम सामने है, इस वजह से आपको उसमें चमक दिख रही होगी। चलो कोशिश करते हैं। ऑप्शन दे दूं क्या आपको? देखो भैया, आपके इसमें ऑप्शन दिया है बाबू, हाँ इसमें ऑप्शन दिया है, तो कहो तो मैं ऑप्शन दे दूं। लेकिन ऑप्शन देने में टाइम लगेगा, जाने दो। लेकिन बात ये है ना यार, एग्जाम में तो ऑप्शन रहेंगे, तो ऑप्शन लिख लो। 0.1811, 0.1822 और ये 0.188 और डी वाला बच्चा 1.0822। चलो इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करो आप लोग। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाना, पूरा क्लास एंड तक देखोगे, सब कुछ समझ में आने की हमारी गारंटी होगी। चलो जल्दी करो सभी बच्चे फटाफट। चलो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल सा है, इसमें एलसीएम लोगे बच्चा, एलसीएम लेने के बाद आगे कर दोगे, बस हो गया। देखो हाँ बिल्कुल, अमन जी का करेक्ट आंसर है, रिचा जी आपका भी करेक्ट है, सुधांशु आपका भी सही है बच्चा। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं आप लोग। चलो क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, गुड। देखो इसमें एक्चुअली है क्या, इन सभी का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम हमें पता है कि एलसीएम लेना, आप जानते हो शॉर्टकट में, ये 10,000 इनके एलसीएम आएंगे, आप कर लेना बच्चा। जब इससे भाग करोगे तो 1 शून्य कम हो जाएगा, यानी कि 1,000 हो जाएगा ना, यही हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। और 2 में गुणा करोगे बाबू तो ये 2,000 हो जाएगा, ठीक है, 2,000 हो जाएगा और प्लस। अब देखो आगे समझते जाओ, थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ। 2000 के बाद क्या ये प्लस है, प्लस का साइन है। अब देखो 10,000 है, इसमें अगर आप भाग करोगे ये 1000 से, हमें पता है इसमें 3 शून्य, इसमें 4 है, 3 से 3 कट जाएगी, 1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा, 10 का गुणा करोगे बच्चा इसमें 2 में तो 20 हो जाएगा। इस तरह से भाई तीसरे पे आओगे, तीसरे में 2 शून्य है, इसमें 4 शून्य है। इसका ये मतलब है कि जब 10,000 में हम 100 से भाग करेंगे तो 2 शून्य कट जाएंगे, मतलब 100 बचेंगे, 100 का जब दो इसमें गुणा करोगे बच्चा
तो ये 200 हो जाएंगे बाबू। उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े, ये 10,000 है, एलसीएम भी 10,000 है, कट के एक आएगा, एक का दो में गुणा करोगे तो दो आएगा। ये वही है जैसे हम लोग भिन्न हल करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग भिन्न हल करते हैं सेम वही प्रक्रिया करनी है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। इनको जोड़ दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इन सभी को आप जोड़ोगे, जोड़ के देखो चलो फटाफट कितना आएगा। यार इसमें कुछ घटेंगे कुछ जोड़ेंगे ना। ओ ये वाला जो माइनस था बच्चा, ये माइनस था बाबू, ये माइनस था, ठीक है, इसमें ये माइनस था। अब समझो, अब पूरी कहानी समझो, इसमें ये 200 माइनस है, ठीक है। अब अगर हम आपको पूरा इसका स्टोरी समझाएं तो जो प्लस प्लस है वो जुड़ जाएंगे, ये 2,000 और ये 20 और ये जुड़ जाएगा 2, यानी 2,022 में से 18 वो 200 घटा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन का है, बेसिक तो है नहीं, तो इसमें फाइनल में 1,822 आ जाएगा। बच्चा इसको 10,000 से भाग करोगे बाबू तो 4 नीचे 0 है ना, तो 4 अंकों पे दशमलव लगेगा, तो 0.1822 इसका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से ना सीख जाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर सही है, ठीक है। हाँ संध्या सिंह, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन है जो कि टीचर भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, लिख लो जल्दी से, आपके पास कुछ सेकंड के टाइम है, जल्दी से आप लोग लिख लो, उसके बाद फिर मैं इसको मिटाता हूँ। जो बच्चे चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो गए ना बच्चा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलो इनको सब पता है, बस इनको पूछना है बाकी, और इनको सब पता है। चलो तीसरा क्वेश्चन, मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें से, बाकी आपका दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो मैं सारा तो बताऊंगा नहीं। चलो अगला लिखो, अगला सवाल लिखो, बड़ा अजीब सा है अगला सवाल यार, ये बड़ा ही ना, मतलब भयानक सवाल है, इसको हल करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रयोग करना पड़ेगा। देखो अब दिमाग लगा के कैसे प्रयोग करोगे वो चीज तुम समझो। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, परीक्षा में पूछा गया है ये टीचर भर्ती में। देखो 5 प्लस 5 प्लस 1 और इसके सामने ऐसे लाइनिंग है और फिर नीचे कुछ ऐसे ही अजीब सी हरकत है, जहाँ पर चिन्ह के नीचे ऐसे क्या है, 5 है और फिर प्लस है और फिर लाइनिंग है और फिर क्या है नीचे भैया, नीचे जाओगे तो फिर से 5 है, फिर प्लस है और फिर लाइनिंग है, क्यों ऐसे है तो ना, नीचे 1 है फिर से, हाँ ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 है और इस तरह से नीचे भी अगर तुम जाओगे यहाँ पे फिर से 1 है। इसमें अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अब इसके नीचे अगर हम बढ़ने की फिर से जरूरत करें तो इसके नीचे फिर से ऐसे है 5 प्लस और ये 1, ऐसे कहने का ये मतलब है बच्चा, ये मतलब है कि ये डॉट 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 अनंत तक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो बड़े बड़ों के पैर फूल जाते हैं, वो सोचते हैं आखिर भगवान इनका का होगा। चलो ये बहुत आसान है, पहला ऑप्शन इसका होगा 11/22 उत्तर आएगा, दूसरा ऑप्शन इसका होगा, बच्चा ऑप्शन लिखो, इसमें से मुझे बता दो जल्दी से, जो सही बताएगा उसको सरप्राइज मिलेगा, जल्दी करो चलो। 29 प्लस 1/2 लिखो, अंडर रूट 29 प्लस 1/2 और डी वाला है अंडर रूट 29 प्लस 5/2, ये आपके 4 ऑप्शन है, कोई एनिमल सेलेक्ट करो जल्दी से। देखो इन इनको हल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का कौन सा सिलेबस पढ़ाते हैं, अंकिता सिंह, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे चलेगा भैया, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे, और ये क्लास आपकी चलेगी कल से रात के 9 बजे से, ठीक है। चलो इनको हल करोगे तो क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे ना, हमें ये पता है कि ये सब
मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनकी कभी कोई एंडिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लिखेंगे माना, और हम ये 5 और ये 1 को छोड़ करके इस प्लस को, बाकी नीचे वाले इस पूरे की जगह पे हम कुछ मान लेंगे। समझने की कोशिश करो, जो मैं घेर रहा हूँ इसकी जगह पे हम यक्स मान सकते हैं या वाई, कुछ भी मान लो जितना मैंने घेरा है। तो तुम यहाँ लिख सकते हो माना 5 प्लस 1 अपान ये 5 प्लस डॉट 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 बराबर यक्स। क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, कभी ये ख़त्म तो होगा नहीं, तो इसके हम क्या कर देंगे, ऐसे यक्स मान लेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये यक्स के बराबर हो जाएगा कितना, 5 प्लस, भाई पूरे को एक्स के बराबर मान लिए ठीक है, और ये 5 वैसे रहेगा प्लस ये 1 भी वैसे रहेगा, नीचे ये पूरे की जगह पे एक्स मान लोगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है? नहीं समझ में आएगा बता देना। चलो अब बच्चा इनका क्रॉस मल्टीपल करो, तो ये 5x+1 और ये एक्स, तिरछा गुणा करोगे एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का 5x-1=0। इनको हल कर लोगे ना आप लोग, ऊपर कुल दिख रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ भाई। मैंने ऊपर क्या लिखा यार, ऊपर ज़्यादा निकल गया का, हाँ ओ सॉरी, बोल दो भाई बोल दो, ठीक है नॉट प्रॉब्लम, ये लो ऊपर कुछ ज़्यादा लिख दिया ना। चलो मैं नीचे कर दूंगा जो ऊपर लिखा है, ठीक है उसके लिए ना प्रॉब्लम लो। चलो जो ऊपर लिखा है उसको मैं नीचे कर दूं क्या? चलो ठीक है, जो ऊपर लिखा है उसको मैं नीचे लिख दूंगा। माना इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है इसके ऊपर कुछ नहीं है। चलो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ कहाँ तक दिख रहा है, माना के ऊपर नहीं जाएगा। चलो मैं मान ले रहा हूँ, माना यक्स इक्वल 5+1 और अपान ये 5+... ये बराबर क्या है, ओ सॉरी इसको बराबर मत करो, तो हो ही गया, ओके दिख रहा है ना। हमने क्या किया, यक्स बराबर 5+1/5+... इसको एक्स के बराबर मान लिया, इसमें किसी को कोई मुसीबत नहीं है, इतना बन गया, ये बन गया। गुणा करने पर 1 आ जाए, घटाने पर 5 आ जाए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, बोलो है जल्दी बताओ। तो क्या करोगे फिर आप, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाओगे। चलो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दो, नीचे तो दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ठीक है नो प्रॉब्लम। तो बच्चा श्रीधराचार्य का सूत्र कहता है यक्स बराबर -b+-√b का स्क्वायर -4ac/2a। तो अब हम फार्मूला तो लिखेंगे नहीं, ये कंपटीशन की क्लास है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मान रख देंगे, b का मतलब -5 ठीक है, -b मतलब -5, और माइनस बाहर भी रहेगा ये बात मत भूलना ठीक है, ये माइनस बाहर भी रहेगा, ये -b हो गया। उसके बाद +-√b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -5 25 हो जाएगा, और +4ac, 4a और c, a का मान 1 एंड c का मान भी 1, तो ये कुल मिला के 4 आएगा बच्चा ना, करके देख लो, कुल मिला करके 4 ही आएगा ये। 4ac का लो, चलो कर लेते हैं, 4 और a का मान 1 एंड c का मान माइनस में है याद रखना ठीक है, अपान 2a, a का मान 1, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता देना, टेंशन मत लेना। चलो इस तरह से आपका ये माइनस है, अंदर में भी -4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यक्स बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और +-√ ये 29/2 हो जाएगा। देखो इसमें कोनो ऑप्शन भी है भैया का ऐसा, देखो एक काम कर सकते हो आप, जो 5+29 है बच्चा, इसको √29+5 कर सकते हो, ये ऑप्शन में है ना, प्लस वाला ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, करेक्ट हो गया, ये डी वाला करेक्ट है ना, कितना आसान, समझ में आ रहा ना बच्चा? देखो है सिंपल, लेकिन आप समझोगे तब अच्छा है, नहीं समझोगे तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी नंबर सही है। चलो लिख लो जल्दी से, मैं सामने से हट चुका हूँ, जो भी बच्चे लिखना चाहें लिख लें।
जल्दी से लिख लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ चलो ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। हमने जितना घेरा उसकी जगह पे एक्स मान लिया, बाकी आगे लाके सॉल्व कर दिया। ये आपका हो गया। अगला सवाल पे चलो। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अजीब सा है, बड़ा ही मनमाना ढंग का है ये। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला नेक्स्ट नंबर ध्यान दो भाई, ये फ्रैक्शन का सवाल है, अगला भिन्न का है। और इसमें ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन परीक्षा में जितने भी करवा रहा हूँ सब पूछे गए हैं। तो आपके यूपी टेट, सी टेट या एमपी वर्ग 3 या रीट जो भी आप देते हैं, यानी टेट लेवल की परीक्षाएं, सी टेट वगैरह, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन देखना, अगला प्रश्न ध्यान से देखना और प्यार से देखना। कहता है 1 + 11 / 10। हाँ चलो समझो, 1 + 11 / 10, फिर 11 / 100, फिर कह रहा है 11 / 100, इतने से ही काम नहीं चलता, कह रहा है 11 / 1000, फिर कह रहा है 11 / 10000। हाँ का मान बताइए, क्या करिए इसका मान बताइए। तो आप लोग ट्राई करो, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको चाहो तो। बच्चा चलो ऑप्शन ले लो बाबू। हाँ ऑप्शन ले लो। चलो पहला ऑप्शन है इसके, दूसरा ऑप्शन है, हाँ सी, चलो जल्दी से फटाफट आप लोग कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दो। ये कंपटीशन की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया सवाल है और क्वालिटी भी एकदम मस्त है भाई। पंकज जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अंकिता जी आपका भी ठीक है, अंकिता पांडे इनका नाम है। देखो सभी के कमेंट स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं और मैं कमेंट अगर रिव्यू करता हूँ तो टाइम जाता है, इसलिए मैं करने वाला नहीं हूँ। चलो बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, ज़्यादा बच्चे तो है नहीं, लेकिन जो भी है ठीक है। चलो देखो इनको हल करना है, इनको हल करने के लिए कहो कोई ट्रिक बता दूं तो मैं, कोई ट्रिक नहीं होती बच्चा, ठीक है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती जिससे इनको हल कर सको। हर सवाल की ट्रिक नहीं बनती है, ट्रिक कुछ सवालों की होती है, वो आपको बताए जाते हैं। देखो इनमें 1 को अलग कर दो क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को अलग, बाकी सबको अलग कर लो। इस पे इसको करोगे 1.1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 0 है, 0.11 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 0.011, यहाँ पे 4 है तो 0.0011। बस हो गया, इसके आगे तो कुछ है नहीं, बस इसी का तो आंसर निकालना है ना बच्चा। चलो दशमलव के नीचे दशमलव लगा के सबको जोड़ डालो, खटाखट जोड़ डालो फटाफट। और तुमको क्या मिलेगा पता है, तुमको ये मिलेगा 23,521 के लगभग ना। जोड़ के देखो भैया, रोशन राजपूत जी समझ में आ रहा ना बच्चा। संध्या सिंह आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट। चलो तो जोड़ो, 23,521 नहीं 321 आना चाहिए, 300। देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं जोड़ के इधर साइड में कर देता हूँ, ये देख ले वो, बिल्कुल हैरान ना रहे। ये देखो हाँ, 1 में सबको जोड़ना बच्चा, तो आप इसको 1.000 चाहे जितना बार लिख दो, प्लस के नीचे दशमलव, नीचे दशमलव, ये 1 1, और फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 1 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 बढ़ा बढ़ा के इनको चाहो तो पूरा कर लो, ये 0 बढ़ा बढ़ा के पूरा कर लो। तीसरे की बात करें तो 0 1 1, और चौथे की बात करें 0 0 1 1। देखो सभी लगभग बराबर हो गए, सबको जोड़ लो 1, ये 2 और ये 1 1 ना बच्चा। देखो इनको कुछ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या। पहला देखो 1.11 है, फर्स्ट वाला देखो बच्चा 1.1 है ना, हाँ ठीक है। अगला देखो 0.11 है, ये भी ठीक है, ये 0.11 है, और इसमें क्या है 00 है, तो ये तो कुछ और आ रहा ना यार, कितना आएगा भैया। देखो 1 1 2, और ये भी 2,
अरे भी टू, ये तो 2 पॉइंट कुछ अजीब सा आ जा रहा है यार। क्वेश्चन एक बार मैं मिला लेता हूँ, देखो मुझे कुछ लग रहा गड़बड़ है। वैसे तो सही है सब कुछ, मैं एक बार सवाल मिलाता हूँ। कह रहा 1 प्लस ये 11/10 और फिर 100 है, फिर 1000 है, और उसके बाद बच्चा 10,000 है। हाँ, बच्चा थोड़ा सा मिस्टेक था बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक। क्या है, क्वेश्चन तो सही है, हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही है। जो क्वेश्चन मैंने लिखा था उसमें यहाँ पे 111 था, यहाँ पे 111 था, मतलब सवाल ही पूरा अलग था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे भैया तो यहाँ पर भी 1 होगा बाबू, हाँ यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पे 1 शून्य हो जाएगा आगे शामिल, ये इतना होगा। तो दूसरा वाले में 3 1 हो जाएंगे तीनों लगातार। अब ध्यान देना, दूसरा वाले में नहीं, तीसरा वाले में बच्चा, इसमें ये लगातार 3 1 हो जाएंगे। चौथे वाले में क्या है, एक 0 लग के 3 बार फिर इसमें भी हो जाएंगे, ये अब ये बनेंगे बच्चा, तो ये 2 हो जाएंगे बाबू, ये 3 हो जाएंगे भैया, ये 2 ही रहेंगे, ये भी क्या होंगे, 2 ही रहेंगे, और ये भी क्या रहेंगे, 2 ही रहेंगे। क्यों, ठीक है ना, बोलो इतने आ रहा, कुछ और आ रहा है, जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन आप लोग सही लिखोगे जैसे वैसे आएगा। ये 10,000 है, 111 उस पर भी है, उस पर भी है, उस पर एक है, ठीक है करेक्ट। इसको फिर से मिला लो, ये इतना आ गया 2 अंक पे, ये 3 अंक पे ठीक है, ये 4 अंक पे ठीक है। इसी में लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, मैं लग रहा 1.1 हो गया, 1 1 हो गया, इसमें देखो 3 बार 1 1 रहेगा, और इसमें 1 0 के बाद में फिर 3 1 रहेगा लास्ट वाले में। ओ 1 0 रहेगा बच्चा, ये लो बाबू, ये 3 बार 1 1 रहेगा, ये 3। चलो चलो जल्दी लिखो फटाफट, ये आंसर भी इसका दिया यार, 23,321 ऐसे पूछा है, ये 3 ठीक है, कर लो सभी बच्चे फिर बताना मुझे। चलो इसमें 3 बार 1 रहेगा, 1 2 3, तो 2 ही आएगा यार, 2.2332 आएगा, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन दिया वो गलत लगाया गया है। समझ में आया ना सभी को, दीपक जी आ रहा समझ में? देखो काफ़ी टाइम लग जा रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है ना, इसमें ये काफ़ी उलझा हुआ सवाल है। वैसे देखो इसी दशमलव में लोग लोग मिस्टेक कर देते हैं थोड़ा बहुत, पहले तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा अलग लिखा था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, लिख लो जल्दी से, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो भैया जल्दी करो। मिटा दूँ, हल कर लो, चलो हल करके फटाफट बताओ। इसमें से ऑप्शन नंबर जो भी है ना टॉप लगा दो या फिर जो भी है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती, फिर अगली क्लास में हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ें समझनी है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के जोड़ना घटाना है, बस हो गया, नीचे दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। देखिए कमेंट देखने का टाइम नहीं होता, चूंकि टाइम बहुत कम होता है, अगर हम कमेंट देखेंगे तो गड़बड़ है, कमेंट देखने पे टाइम बीत जाता है ना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, और आप सभी जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि वो पढ़ सकें।